आज माशाल्लाह मेरे पास पाकिस्तान के तीन होनहार तालिबे इलम बैठे हुए हैं साउथ कोरिया में। पहले नहीं है, नॉर्मल कह लें यार, होनहार नहीं कही। मतलब 3 साल मुझे हो गए यहाँ पे, आप फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे होंगे कितनी हार्ड लाइफ है। तो ऑस्ट्रेलिया का जाने का प्लान था, लेकिन एक दोस्त थे और आपकी वीडियोज भी देखते थे, आपकी वजह भी एक बन सकती है, आपको भी हम रात को दुआएं देते हो कि नहीं उठे हाथ करके। एक मैन मेरा तो ऑस्ट्रेलिया के रिजेक्ट हुआ था एकदम। ये रिजेक्टेड है ऑस्ट्रेलिया के। फिर मैंने कहा कहीं भी निकलना है अब, कोई कोरिया। तो एक आप 20 आवर्स तक वर्क कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी जो इनकी अच्छी है, इनके सैलरी पैकेज लाइक एक घंटा अगर आप काम करते हैं 1700-1800 रुपया पाकिस्तानी एक घंटे का आपको पे किया जाता है। अभी इन वन सेंटेंस वुड यू रिकमेंड, आप रिकमेंड करेंगे वो लोग जो ये वीडियो, लड़के या लड़कियाँ जो वीडियो देख रहे हैं, एक सेंटेंस में हाँ या ना, कोरिया आना चाहिए या दे शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका? Hey, come to Korea. Come to Korea. Korea is a good country. Okay, ji. Or you come to Korea, go Australia. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. यार मेरे से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो पूछ रहे थे कि भाई हमने स्टूडेंट वीज़ा पे स्टडी के लिए साउथ कोरिया आना है तो कैसे आएंगे, और क्या स्टूडेंट जो है ना साउथ कोरिया आके पैसा कमाते हैं या नहीं, क्या उनकी लाइफ कैसी होती है। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे कमेंट कर रहे थे। आज माशाल्लाह मेरे पास पाकिस्तान के तीन होनहार तालिबे इल्म बैठे हुए हैं साउथ कोरिया में। पहले नहीं है, नॉर्मल कह लें यार, होनहार नहीं की क्रीम, ये पाकिस्तान की क्रीम है। तो आज हम पहले इनके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें पहले। जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा यूट्यूब चैनल जो है उस्मान व्लॉग्स के नाम से है, इंशाल्लाह ये देंगे लिंक नीचे। तो मैं इधर से एज अ स्टूडेंट आया हूँ, सेजोंग यूनिवर्सिटी में मैं एज अ मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। पाकिस्तान से मैंने पहले बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से पाकिस्तान में कहाँ से? मैं सरगोधा से हूँ पाकिस्तान में। जी भाई मैं अमर मोहम्मद हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ सेजोंग यूनिवर्सिटी से। आई एम फ्रॉम सेजोंग यूनिवर्सिटी। दोनों सेजोंग से? यस दोनों सेजोंग से हैं। कितना अर्सा हो गया कोरिया? मतलब 3 साल मुझे हो गए यहाँ पे, आप फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे होंगे कितनी हार्ड लाइफ है। कितने मजे करते हैं हम यहाँ पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरा रोना निकल रहा है यार, क्या करूँ मैं यार। उस पूरी लाइफ के बारे में बातें करेंगे हम सर, थोड़ा इमोशन को कंट्रोल में नहीं रख सक रहा यार मैं। जी भाई ये तो भाई वैसे रोते नजर आ रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और क्या है, मैं सरगोधा से हूँ पाकिस्तान से। तो तीनों सरगोधा? तीनों सरगोधा से हैं। हाँ जी, बड़े आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग भी सरगोधा से हो पहले तो कमेंट। मैंने सिर्फ तीन ही देखे हैं सरगोधा से। और मैं तोंगवन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 4 ईयर्स होने वाले हैं। 4 ईयर्स माशाल्लाह, 4 ईयर्स 6 मंथ्स 3 साल, ठीक है। चलो माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी डाइवर्स जो है ना लोग बैठे हुए हैं। पहले तो बात करते हैं यार, कोरिया क्यों सेलेक्ट किया आपने? यू नो पाकिस्तान के अंदर लोग सेलेक्ट करते हैं अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया क्यों ख्याल में, क्या था, क्या हुआ, आपने क्या एक्चुअली मिली आपको? कभी मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जाने का प्लान था, लेकिन एक दोस्त थे और आपकी वीडियोज भी देखते थे, आपकी वजह भी एक बन सकती है, आपको भी हम रात को दुआएं देते हो कि नहीं उठे हाथ करके। एनीवे कोरिया आने का एक्सपीरियंस था कि एक दोस्त ने कहा था, ये अमार भी था लेकिन इसके अंदर इतना नहीं था लिंक, कि यहाँ के पढ़ेंगे पैसे कमाएंगे। सबसे मेन जो फोकस था कि जी पढ़ तो पाकिस्तान में भी रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये था कि जी आगे पैसे कमाएंगे, सारा पैसे कमा रहे हैं, नो डाउट नहीं कमा रहे, लेकिन चले वो पैसे कितना कमाते हैं वो भी पूछेंगे हम। जी अमार भाई आपके माइंड में कैसा है सब कोरिया? वैसे बस यार अबू ने कहा था आज कोरिया आ जाओ, कोरिया चले जाओ। अबू ने कहा कोरिया आ जाओ? अबू कोरिया में होते हैं? नहीं नहीं, मतलब उनके दोस्त होते थे, उन्होंने कहा था, और ये भी थे हमारे गाइडलाइंस, ठीक है, इनसे गाइडलाइन ली थी हमने, ठीक है भाई। और मेरा एक मैन मेरा तो ऑस्ट्रेलिया के रिजेक्ट हुआ था एकदम। ये रिजेक्टेड है ऑस्ट्रेलिया के? तो आपको जो है ना ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट हुआ था, आपने कहा बस फिर मैंने कहा कहीं भी निकलना है अब, कोई कोरिया, ठीक है। अभी तक तो आपको शायद इंप्रेशन लग रहा हो यार कि कोरिया पता बेचारा ना की हो गया, क्या बुरा हाल हो गया इनके साथ, लेकिन
we will talk about both the negative side and positive side, दोनों के बारे में बात करेंगे. पहले बातें करते हैं कि positive side, आपको स्टोरी पढ़ के क्या कैसा लगा अभी तक? अच्छा है इनकी स्टूडेंट स्टडीज़ हैं या ओवरऑल कैसा है? ठीक है. एक्चुअली जब मैं, क्योंकि अलहमदिल्ला 16 ईयर्स एजुकेशन मेरी पाकिस्तान से भी थी, तो मैं जब ये कोरिया आया हूँ तो यूनिवर्सिटी इनका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है. जो प्रोफेसर हैं वो आपको मतलब कि पर्सनल कॉन्टैक्ट करते हैं. अगर आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी रिसर्च में आपको मतलब हेल्प चाहिए हो, तो वो आपको पर्सनली तौर पर हेल्प करते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी में थोड़ा बहुत मतलब कि इस चीज़ की मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो कमी है. तो बाकी मेरा जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो रहा है यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरीज़, कंप्यूटर लैब्स. और फ्रेंड्स वगैरह अच्छे मिले थे आपको? एक्चुअली या फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे कोई इतने ज्यादा फ्रेंड नहीं है. सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट इतना शरीफ है नहीं जितना बोल रहा है. एक्चुअली मारित भाई, यहाँ पे हम आते हैं तो हमारी फीसिस भी बहुत ज्यादा होती हैं. जैसे हमार जो है, इसकी जो फीस है वो कम से कम 10 लाख रुपया पाकिस्तानी एक हर 6 महीने के बाद. तो मैं भी 5-6 लाख एक सेमेस्टर, एक सेमेस्टर की 3 महीने का सेमेस्टर होता है. ठीक है, 3 मंथ की जो फीस है हमारी वो इतनी ज्यादा है. तो अगर तो आप स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप आते हैं कि खुद से पे, पहले वो माशाल्लाह हम वो भी पे करते हैं लोगों को, जो हम क्या कहते हैं कंसल्टेंट को और ये वो. ठीक है, इस तरह ना. तो आप यानी कि अच्छा, अभी आप जो है ना, आपका अच्छा एक्सपीरियंस क्या था ओवरऑल, क्या कहेंगे आप? कोरिया बेस्ट है. लाइक हम जिस टाइम आए थे, मैं 2016 में आया था, तो उस टाइम हमने बहुत हार्ड टाइम देखा है शुरू में, क्योंकि हर कोई देखता है ऑलमोस्ट. तो अभी बेटर, अभी हम कुछ मतलब कि बहुत बेटर हो गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अभी बात करते हैं यार, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, अभी 10 लाख आप बता रहे हो सेमेस्टर की फीस होती है, तो बंदा जो है ना डेफिनेटली यहाँ पे पैसे भी कमाना चाहता है. ठीक है, तो हाउ मच कैन आ स्टूडेंट अर्न इन साउथ कोरिया, स्टूडेंट लीगल तरीके पे, कोई दो नंबरी नहीं, कोई घपला नहीं, लीगल कितना कमा सकता है एक महीने में? लीगल तरीके से जो स्टूडेंट वीज़ा D2 है हमारा, उसके ऊपर तो हमें सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं, और उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना चुका हूँ. कूल, तो आप उस्मान के चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं. वो माजिद भाई ने मुझे हेल्प की थी जॉब फाइंड करने के लिए, और अभी मैं मतलब कि अभी उम्मीद है, क्योंकि कॉल का वेट कर रहा हूँ फिलहाल. तो एक आप 20 आवर्स तक वर्क कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी जो इनकी अच्छी है, इनके सैलरी पैकेज लाइक 1 घंटा अगर आप काम करते हैं 1700-1800 रुपया पाकिस्तानी 1 घंटे का आपको पे किया जाता है. ठीक है, में भी माजिद भाई बनाएंगे वीडियोस के मतलब पार्ट टाइम वर्किंग प्लेस पे जाके मतलब स्टूडेंट्स से आप इंटरव्यू कर सकते हैं कि हाउ दे आर वर्किंग. यू गाइस आल्सो डू पार्ट टाइम जॉब, राइट? तो कितना पार्ट टाइम, बट आवर स्टडीज एंड आवर पार्ट टाइम इज रियली डिफिकल्ट, लाइक द स्काई एंड द अर्थ डिफरेंस. कितना हो जाता है मतलब अच्छा बन जाता है यार खान? नहीं, खाने पीने का मतलब निकल आता है, पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 3 लाख तो इट मींस कि डेफिनेटली माशाल्लाह ये अपना कर लेते हैं, अपनी स्टडीज को अफोर्ड कर लेते हैं. आपके ख्याल में कितना कमा लेते हैं? कमाने में यार मैंने जितना एक्सपीरियंस किया ना यहाँ पे, अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है ना तो उसके मुताबिक आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, इजी जॉब आपको, क्योंकि आप कोरियन लैंग्वेज आती है आपको, आपसे ऑनर जो है वो आराम से कन्वर्सेशन कर सकता है, तो उसको मतलब कि वो ज़्यादा फील बेटर करता है, तो आपको फिर उतने पैसे भी ज़्यादा देता है, मतलब कि काम भी आपको उतना नहीं करना पड़ता. फिर मैं अपनी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आपको मिलता है कोरियन 10,000 won पर घंटे का, विच इज़ लाइक 1200-1300, लेकिन मैंने ट्रांसलेशन की जॉब्स की हुई हैं साउथ कोरिया के अंदर, मुझे मिल रहा था 15,000, विच इज़ लाइक पाकिस्तान 2000 एक घंटे का 2000 मिल रहा था. तो अगर कोरियन अच्छी आती हो तो आपके जॉब्स भी अच्छी मिलती हैं. ठीक है, अभी बात करते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंस की. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होंगे आज के. पॉजिटिव चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो नेगेटिव में क्या है, आपको प्रॉब्लम हुई है? नेगेटिव चीज़ सबसे पहले जो मैं बताता चलूँ, नेगेटिव चीज़ ये है कि हम इधर आए थे पैसे कमाने. ठीक है, 3 लाख तो हम कमाते तो हैं जैसे मार भाई ने बताया, लेकिन हमारे हाउस रेंट्स, हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, सबसे जो बड़ी मुश्किल बात लगती है वो फीसिस पे करना लगती है. और उसके अलावा फिर लैंग्वेज बैरियर, जो कोरियन जो है इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती. तो लेट्स सपोज अगर जैसे मैं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो हर वक्त आपको गूगल ट्रांसलेटर साथ में रखना पड़ेगा. तो ये कोरिया में आके ये नेगेटिव आप व्यू कह सकते हैं. और सबसे वर्स्ट जो चीज़ है वो कोरियन बॉसेस.
फॉरेन बॉसेस, अब मैं इसके बारे में आपको और कुछ नहीं बताना चाहता। आप बताएं जी भाई, मेरे ऑलरेडी मैं किराया कर रहा हूँ। मतलब ये है कि कोरिया जब आप आते हैं ना, तो प्लीज़ यार किसी से अच्छी कंसल्टेशन लेके आएँ, अदरवाइज मतलब जाना कोरिया आपको ऐसे कर देगा कि आप अगर 10 आए ना तो आपको 0 कर देगा। इन भाई के वाकई लगता है कि यार कोई बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। नॉट बैड एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट अ रियलिटी, यू हैव टू फेस इट ब्रो। ओके जी भाई, पूछो ही ना। अच्छा वो मतलब कि हम जब शुरू में आए थे, आपको रियलिटी बताता हूँ जी जी, तो हमने मतलब कि जो एरोबाइट लगाई थी -16 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगाई है। तो यू आर, आप अंदर थे किसी? अंदर नहीं थे, ये बाहर ओपन थी। अच्छा यार, ये करना तो पड़ता है, लोग जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके फर्स्ट क्लास में काम करते हैं भाई। -16 डिग्री, लाइक हम 34 डिग्री से इधर भाई। -16 मीन लाइक आपको काम करना है, लेकिन आपको वेजेस उतने ही मिलेंगे जो मतलब नॉर्मल बंदा काम कर रहा है। द डिफरेंस जो बनता है ना, मतलब अगर आपकी काम मतलब मुश्किल है ना आपका, आपकी वेजेस भी वैसे ही ग्रो करनी चाहिए। मतलब प्रोपोर्शन नहीं है कोरिया के अंदर, आप चाहे अंदर बैठे काम कर रहे हो चाहे 16 -16 में काम कर रहे हो, पैसा सेम अच्छा। और तो मतलब कि शुरू में तो यार सबके बैड एक्सपीरियंस ही होता है। तो फीसिस बड़ी मुश्किल से, घर से ही पैसे मंगवाए हैं हमने। अच्छा। तो बस फिर टाइम यार गुजर जाता है बस। अच्छा, अभी इन वन सेंटेंस, वुड यू रिकमेंड, आप रिकमेंड करेंगे वो लोग जो ये वीडियो, लड़के या लड़कियां जो वीडियो देख रहे हैं, एक सेंटेंस में हाँ या ना, कोरिया आना चाहिए या दे शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका? हे कम टू कोरिया, कम टू कोरिया इज अ गुड कंट्री। ओके जी, और ये कम टू कोरिया गो ऑस्ट्रेलिया, वन मंथ विद गो जी। अवैस आए कोरिया, लेकिन कोई एम लेके आए, लेकिन एम आपका एम होना चाहिए। मतलब कि आप अगर स्टडी करने आए हैं तो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें, अगर जॉब करने आए हैं तो सिर्फ जॉब पे करें। मतलब कि तो स्टडी पे आते हैं लेकिन जॉब भी साथ साथ करना चाह रहे हैं, वो तो फिर करते हैं क्योंकि वो करनी पड़ती है। लेकिन अगर यार मेन मसला जो है ना कोरिया में, वो सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी और मतलब कि आप लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप बेटर है कि आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा कहीं और ही जाएँ, यहाँ पर ना आए। चले गाइस, खैर आज हमने बात की है यार पॉजिटिव थिंग्स की, नेगेटिव थिंग्स की। आई एम श्योर कि आप लोगों के अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो पहले तो उस्मान भाई के चैनल के ऊपर जाकर भी इनसे भी पूछें माशाल्लाह, क्योंकि स्टूडेंट है, जॉब भी कर रहे हैं। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो वीडियो के कमेंट के अंदर लाजमी पूछें मुझसे भी। बाकी ऑफकोर्स मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यार कोरिया इज़ अ रियली नाइस कंट्री कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बाकी अमेरिका में आजकल या और कंट्रीज में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कोरिया के अंदर आपको इतना ही रेसिज्म नहीं लगती या इतना पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है, तो कोरिया आना चाहिए, आ जाओ। बाकी जहाँ पर भी जाओ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो अच्छी तरह। अगेन थैंक यू सो मच गाइज, यू नो सरगोधा वालों, थैंक यू सो मच आप लोग आए यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर, शाहीनों के शहर सरगोधा से। तो पाकिस्तान के तीन शाहीन बैठे हुए हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस, लाइक आई एम सो सो प्राउड टू बी विद दिस गाय, एक्चुअली दिस गाय इज सो नाइस। थैंक्स, थैंक यू माइज भाई फॉर इनवाइटिंग अस हियर। थैंक यू, थैंक यू सो मच अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।